उनको खाना नहीं देते हैं, तो परेशान करते हैं, जो इनके माँ बाप नहीं होते हैं वो उनको उठा ले जाते हैं, ऐसे बच्चों के साथ काम करते हैं। और ये मुश्किल काम, क्योंकि एक तो अच्छा काम एक मुश्किल काम, और वही खुद ही बताएंगे कि क्या क्या मुश्किल आती है। आप थोड़ा बताइएगा, मेरे ख्याल में आवश्यक है कि आप इस उम्र में आप जानिए कि आप अगर यहाँ बैठे हैं और आपके चारों टीचर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको, सब सब आपके मुस्तैद है ना, तो ये आपकी किस्मत है, तो वो बताएंगे आपको। अब मैं श्यामल जी के जो सवाल था कि डॉक्टर कलाम का अंतिम फल, मैं ये कहूँगा कि उनके जीवन का अंतिम फल, क्योंकि जो व्यक्ति होते हैं जब वो विचार बड़े करते हैं तो व्यक्तित्व बन जाते हैं, पर्सनालिटी बन जाते हैं पर्सन से, और जब पर्सनालिटी काम बड़े कर देते हैं तो वो इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं, संस्था बन जाते हैं, इंडिविजुअल समाप्त हो जाते हैं, ना तो विचार कभी समाप्त होते हैं वरना कभी संस्थाएं समाप्त होती हैं, है ना, स्कूल स्कूल कभी समाप्त नहीं होगा, आप आएंगे दूसरे आएंगे आप चले जाएंगे दूसरे चले जाएंगे स्कूल तो रहेगा, तो संस्थाएं बन जाती हैं। डॉक्टर कलाम 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग जा रहे थे। शिलोंग आपको पता है कहाँ, किस स्टेट में शिलोंग, स्मार्ट बच्चे, कोई कोई और बोलता है मणिपुर, कोई बोलता है नहीं, कोई नहीं बोलता, सही बोला, मेघालय में है शिलोंग, मेघालय का नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है। मेघालय जाने का रास्ता ये है कि आपको अगर दिल्ली से मेघालय जाना है या अगर आपको नागपुर से जाना है तो भी तरीका यही होगा, आपको गुवाहाटी बेस्ट है, आप गुवाहाटी जाइए, गुवाहाटी कहाँ पर है स्टेट में, आसाम, करेक्ट, आसाम में, असल में आप जाइए गुवाहाटी, और गुवाहाटी से आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं अगर मौसम अच्छा है, और अगर नहीं है या आप कुछ बढ़िया नज़ारे देखना चाहते हैं तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, कार से या बस से आप गुवाहाटी से शिलोंग जा सकते हैं, तकरीबन लगता है अब तो कम लगेगा क्योंकि नई हाईवे आ गई है, 2015 में तकरीबन 3 घंटे लगता है गुवाहाटी से शिलोंग, दिल्ली से गुवाहाटी करीब 2.5 घंटे की फ्लाइट है, दूर है, भारत एक बड़ा देश है। तो उस दिन 27 जुलाई को डॉक्टर कलाम का लेक्चर था 6:30 बजे शाम, 6:30 बजे शाम, अच्छा आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, 6:30 बजे नॉर्थ ईस्ट में अंधेरा हो जाता है, शायद यहाँ नहीं होता होगा, यहाँ नहीं होता जुलाई के महीने में, फिर जुलाई में नहीं होता होगा, क्योंकि क्यों होता है पता है ना, वो साइंस में ना, क्योंकि वो ईस्ट में है हम वेस्ट में है, आप तो सेंटर में हैं एक्चुअली, नागपुर को तो एकदम सेंटर बोलते हैं, सेंटर है ना, ठीक है, अभी आप बॉम्बे चले जाएंगे तो आपको तो 6:30 बजे अंधेरा नहीं होता, 6:30 बजे क्लास थी IIM शिलोंग में, IIM शिलोंग एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वन ऑफ द न्यू IIMs, और हमें सुबह दिल्ली से हम निकले 6:30 बजे, पहुँचने के लिए हमें गुवाहाटी पहुँचना, गुवाहाटी से शिलोंग, तो प्लान ये था कि हम विस्तारा, एयर विस्तारा सुना है आपने, एक एयरलाइन है जैसे एयर इंडिया है, इंडिगो है, सुना है आपने सर नाम, तो जो प्लेन था वो इस एयरलाइन का था, और ये चलता था करीब 12 बजे दिल्ली से, दिल्ली से 12 बजे उड़ता था, और 2:30 बजे इसको लैंड करना था कहाँ, गुवाहाटी, गुवाहाटी में बड़ा सा एयरपोर्ट है, और उसके बाद गुवाहाटी से प्लान ये था कि हम करीब 3 बजे, प्लेन कभी डिले हो जाता है, निकलने में टाइम लगता है, सामान भी उठाना पड़ता है, तो करीब 3 बजे या 3:15 बजे हम लोग गुवाहाटी से निकलेंगे, और 6:30 से पहले पहले IIM शिलोंग पहुँच जाएंगे, 3 घंटा लगेगा, ठीक, तो हम लोग गुवाहाटी से सॉरी दिल्ली से निकले, और डॉक्टर कलाम जैसे हम लोग बैठे थे ना 3 लोग लाइन में, वैसे ही हम लोग लाइन में बैठते थे, डॉक्टर कलाम के अगल बगल, मतलब मैं डॉक्टर कलाम के बगल में बैठता था, तो वो खिड़की की तरफ बैठते थे और मैं उनके बगल में बैठता था, प्लेन में जो खिड़की होती है उसके पास, और खिड़की के बगल में उनके बगल में, तो हम दोनों बैठे थे, बहुत बात हुई 2.5 घंटे प्लेन में, खूब सारी बातें होती थी,
कोई डिस्कस करते रहते थे अलग अलग मुद्दों पर। और जब वो लैंड थे प्लेन जब वापस गुवाहाटी में उतरा तो उनका एक हैंडबैग होता था काले रंग का, हैंडबैग समझते ना वो हैंडबैग, उसको आप साथ रख के चल सकते हो प्लेन में। प्लेन में बड़ा टायर आपको डालना पड़ता है, प्लेन के नीचे एक बड़ा डब्बा होता है उसमें डालना पड़ता है, और जो छोटे टायर होते हैं वो आप हाथ में लेके चल सकते हो साथ साथ, ठीक। तो ये छोटा वाला बैग जो था उन्होंने हाथ में उठाया तो वो उतरे, तो मैंने पीछे से उनका बैग उठा लिया। तो पीछे मैंने बैग उठाया उनका, तो उनका बैग बड़ा भारी, छोटा सा बैग इतना भारी क्या है सर, क्या लेके जा रहे हैं, इसमें क्या पत्थर रखे हैं आपने दिल्ली में, इंटीमेटेड मजाक कर सकते थे डॉक्टर के लोग आराम से मजाक कर सकते। मैंने सर इंटीमेटेड लेके चल रहे हैं क्या, क्या करके ले चल रहे हैं आप, इतना भारी कैसे है आपका बैग, और मुझे कहीं क्या है ना, देखो क्या है। तो उसमें क्या है, चार बुक नहीं बुक्स, फोर बुक्स। मैं कहा सर आप एक दिन के लिए शिलोंग जा रहे हो है ना, आप 27 तारीख को जा रहे हो, 28 की रात में हम वापस दिल्ली पहुंच जाएंगे, आप इतना लाइब्रेरी लेके क्यों चल रहे हो, पूरा पोथा लेके क्यों चलते हैं आप साथ में, है ना, काम तो करना है। आप ऐसे तो है नहीं कि मैं खाली बैठे रहने वहां, आपको क्लास लेनी है, टाइम है नहीं आपके पास पढ़ने का, किताब है आप लेके चल देते हो। तो बोलते हैं कि अरे पागल देखो मेरा फनी है, मेरे को बोलते फनी, कभी वो गुस्सा होते नहीं थे कभी, लेकिन कभी कुछ उनसे ऐसी बात कर दो जो वो जैसे गलत एडवाइस दे दो ना, जैसे बोलते गलत एडवाइस दे दो तो बोलते फनी है, तो तेरा फनी है, तेरा फनी है, यू डोंट गेट इट, हाउ मेनी आवर्स इट टुक टू कम हियर, ढाई घंटा, अच्छा और 3 घंटा लगेगा है ना, टोटल लगभग 6 घंटा, वन वे 6 × 2 कितना होता है 12, तो 12 घंटे हैं, अगर 12 घंटे में मैं पढ़ लूँ तो कितनी किताब पढ़ सकता हूँ, कहते मैं 2 किताब तो पढ़ लूँगा 12 घंटे में अगर मैं पढ़ता रहा, तो 2 किताब मैं पढ़ लूँ तो मैंने 2 ले लेते, 4 में लेके है ना, तो कहते अगर 2 अच्छी नहीं हुई तो बैकअप है ना, मैं अपने टाइम की वैल्यू करता हूँ ना। देखो आप he was how many years old 83, लेकिन वो ये कह रहे थे कि अगर 2 नई किताब अच्छी नहीं है तो मैं उनकी 2 बैकअप लेके चलूंगा, क्योंकि मुझे हर एक सेकेंड कुछ नया सीखने में लगाना है। अच्छा आपको भी ऐसे करना पड़ेगा, आपको अपने एक एक सेकेंड, दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं आप बताओ, 24/60 ये बहुत स्मार्ट है, 1440 minutes, 86,400 seconds, अभी एक सेकंड चला गया, ठीक है। हर एक सेकंड आप पास कुछ में आप सोओगे, कुछ में आप जाओगे, कुछ और भी करना पड़ेगा, खेलना भी जरूरी है, लेकिन जो बचे हुए सेकंड हैं हर एक सेकंड को या तो फुली एंजॉय करो या उसमें फुली लर्न करो, और अगर रेस्ट कर रहे हो तो 100% रेस्ट करो, आधा काम मत करना, सो रहे हो तो पूरी लगन के साथ सोना है ना, और अगर खेल रहे हो तो पूरे एनर्जी के साथ खेलना, और अगर पढ़ रहे हो तो फिर किसी और चीज के बारे में मत सोचो, जो करो 100% कमिटमेंट के साथ करो, और अपना टाइम वेल डिवाइड करो। 86,400 सेकंड्स इज व्हाट, वेदर यू बिलीव इन गॉड और नॉट, वेदर यू बिलीव इन प्लैनेट और नॉट, जो भी आप बिलीव करते हो, आपको 84,400 सेकंड रोज मिले, कर लो जो करना है इसमें, ठीक है। तो रॉकेट ग्राम ये मान के चलते थे। अब बच गए हैं कितने, गुवाहाटी में 27 तारीख को, अभी नहीं, कहानी कहाँ थी हमारी, बुक्स पे थी ना, प्लेन लैंड कर गया, प्लेन कितने बजे लैंड कर रहा था, 2:30 पे है ना, अभी कितना बच गया, 2:30 PM, 2:30 PM 27 जुलाई 2015 हमारा प्लेन है कहाँ पर, गुवाहाटी से हम निकले, और मैं क्या लिए हूँ अपने हाथ में, हैंड बैग, रॉकेट ग्राम आगे आगे चल रहे हैं। फिर हमने जल्दी से लंच खाया गुवाहाटी के एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पर दाल चावल वेजिटेरियन था, चिकन भी दिया उसने मेरे को, ठीक है ठीक है। सो उन लोगों ने चिकन, वो उन लोगों ने लंच करा दिया, उन लोगों ने लंच करा दिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फिर गाड़ी में बैठे, अच्छा गाड़ी एक नहीं होती थी, VVIP आदमी राष्ट्रपति, तो उनके लिए प्रोटोकॉल होता है कि VVIP जो चलते हैं उनके साथ कई गाड़ियाँ चलती हैं,
तो एक सबसे आगे चलती है, इसको बोलते हैं पायलट। पायलट आपने कभी कोई देखा है वीआईपी ऐसे चलते हैं 8-10 गाड़ी वाले, अभी देखे हैं? सबसे आगे होती है जिप्सी, ठीक है, जिप्सी या जीप, हमारे केस में जिप्सी थी। उस जिप्सी में एक लाल झंडा लगा होता है जिसमें लिखा होता है पी, पी मतलब पायलट, ठीक है, उसमें से ऐसे करके लाल झंडा लगा होता है। तो ये सबसे आगे रहती है, जहां ये जाएगी सब इसके पीछे पीछे जाएंगे। इसका काम होता है रास्ता आपको पता होना चाहिए, रास्ता क्या है, क्योंकि तो जितनी गाड़ियां पीछे हैं वो आपके पीछे एकदम पूरी भक्ति के साथ चलेंगे, ठीक है, अगर वो गलत मुड़ गया तो सब गलत हो जाएंगे। अच्छा, पायलट के पीछे हमारी गाड़ी थी जिसमें डॉक्टर कलाम बैठे थे, मैं बैठा था, तो आगे ड्राइवर ड्राइवर चला था, इसके बगल में सिक्योरिटी वाला होता था, उसको बोलते हैं PSO, प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर। वो हमेशा, कभी तुमने मोदी जी को भाषण देते देखा है या किसी बड़े नेता को, उसके पीछे एक काला चश्मा लगाया क्यों खड़ा रहता है? कौन होता है वो? PSO होता है, वो हमेशा साथ रहता है, उसका काम होता है अगर इतनी दूरी करो, तो वो कैमरे से भी दूर नहीं जाता, वो अपना वहाँ नहीं खड़ा होगा, पीछे खड़ा रहेगा, ठीक है। उसका काम होता है, उसका उसका रूल है कि आप एकदम पास रहोगे, आप ये नहीं वहाँ खड़े होंगे, आपका काम है PSO, बिल्कुल लास्ट सिक्योरिटी आपकी है, ठीक है। तो वो PSO ड्राइवर, PSO ट्रैफिक अलार्म, मैं, चार लोग बैठ गए गाड़ी, समझ गए, ड्राइवर के पीछे मैं, वो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिसर पुलिस वाला होता है, बंदूक बंदूक रखे होता है, उसके पीछे डॉक्टर कलाम, उसके आगे कौन सी गाड़ी चल रही है? पायलट। इसके पीछे स्पेयर कार चलती है, अगर मान लीजिए कार खराब हो जाए तो दूसरी वाली गाड़ी में बैठा दो। उसके पीछे फायर ब्रिगेड चलती है, उसके पीछे एम्बुलेंस चलती है, ठीक है, और कभी कभी इसके बीच में एक पुलिस की वैन और होती है, तो 5-6 गाड़ियां 7 गाड़ियां एक साथ चल रही है। अभी हम कहां थे, किस शहर में, कितना बज रहा है, लंच हो गया ना, 3 o'clock हो गया, ठीक है, 3 o'clock हो गया, अब 3 o'clock हो गया, अब गुवाहाटी से कहां जा रहा है, अब तो शिलांग का रास्ता चालू हो गया, कितना घंटा लगेगा लगभग, तो हम 6 बजे 6 के आसपास पहुंच जाएंगे। फिर अच्छा, उस दिन क्या हुआ था, 27 तारीख को एक टेररिज्म का इंसिडेंट हुआ था पठानकोट में, पंजाब में, पंजाब में फायरिंग हुई थी, कई लोग मारे भी गए थे, पुलिस में भी कई लोग शहीद हो गए थे, उनको बचाने बचाते बचाते कई लोग पुलिस वाले भी मारे गए थे, एक SP मारे गए थे। सो ये सब न्यूज़ आ रही थी, हमने भी सुनी, एयरपोर्ट पे आ रही थी, जब हवा में थे तो ये काम हो रहा था। और डॉक्टर कलाम जो लेक्चर लेने जा रहे थे IIM शिलांग में, उसका कोर्स था वो, उसमें 3 लेक्चर थे, उसका टाइटल जैसे आपका सिविक्स होता है, जैसे आपका होता है ना कोर्सेज का नाम, तो या वहाँ पे कोर्सेज का नाम अलग अलग तरीके से होता है, ऐसे नहीं होता सिविक्स है ये है, वहाँ पे उस कोर्स का नाम था क्रिएटिंग लिवेबल प्लैनेट अर्थ। क्या था? धरती को जीवनदायी कैसे बनाए, है ना, संकट है ना धरती को जीवनदायी बनाने में, आजकल लोग कितनी बात करते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ चले जा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, पानी गंदा है, आवाज गंदी है, नॉइज आ रही है, लोग लड़े मरे कटे जा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हो रही है ना, आतंकवाद हो रहा है, तो हम इन सब नेगेटिव फोर्सेस को हटा करके हम धरती को जीवनदायी और खुशहाल कैसे बनाएं, ये कोर्स के बारे में बात हुई थी। और इसमें उस दिन लेक्चर होना था 27 तारीख को, और उसके अगले दिन भी होना था, और लेक्चर डॉक्टर कलाम का चलता था रात में 12 बजे तक, आपका भी चलेगा जब आप लोग यहाँ से निकलोगे, अभी आपको लगता है 2:30 बजे बहुत है ना, अभी आप IIT जाओ फिर पता चलेगा, ठीक है, वहाँ 12 बजे तक पढ़ाई होती है। तो हम लोग जा रहे थे, तो ये घटना हो गई थी। दूसरा एक चीज़ हो रही थी कि जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ क्या होता है लोकतंत्र, सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में बहुत बवाल हो रहा था, लोग काम ही नहीं कर रहे थे, सब झगड़ रहे थे, मतलब पत्थर ले रहे थे, नियम में पत्थर ही मारना शुरू कर रहे थे, है ना, इतनी लड़ाई हो गई, रोज लड़ाई, इतनी तू तू मैं कुछ काम ही नहीं होता था, ठीक है, ये भी काम हो रहा था। तो डॉक्टर कलाम, फिर हम लोग चले, अभी अब कहाँ से चल गए, गुवाहाटी से शिलांग, और चलते चलते डॉक्टर कलाम ने बोला हमारे लेक्चर का देखो टाइटल है लिवेबल प्लैनेट अर्थ, है ना,
लेकिन लिवेबल प्लैनेट तो तभी बनेगा, हमारा दुश्मन वो नहीं है, हमारा दुश्मन ये जो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हवा का पोल्यूशन, नॉइज का पोल्यूशन, वाटर का पोल्यूशन, ओशंस का पोल्यूशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मन का प्रदूषण, लालच, कि मैं अपने फायदे के लिए बहुत लोगों का नुकसान कर रहा, मैं अपने इतनी पागलपन में कि तीन लड़के जिनकी उम्र 22-23 साल है वो अंधाधुन लोगों को गोली मार देते हैं, जो पठानकोट में हुआ उसी दिन हुआ था ना, तो कहते हैं ये है मन का प्रदूषण। जब हम गलत चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, हर चीज में गलत चीज निकाल लेते हैं, आपने सवाल मुझसे पूछा था, मैंने आपको जवाब दिया था, हम हर धर्म से अच्छी चीज निकाल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा भी होता है, हम हर धर्म से बुरी चीज भी निकाल सकते हैं, हम हर एक चीज से बुरी चीज निकाल सकते हैं अगर निकालने को तैयार है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी आदत खराब हो रही है मन का प्रदूषण, कि हम बुरी चीजें सीखने लगे हैं हर चीज से, ये सबसे बड़ा प्रदूषण है। और अगर इसको नहीं हटाया, युवाओं ने आपने पूछा था मुझसे कि युवाओं से डॉक्टर कलाम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तुमने पूछा था, किसी ने नहीं कहा, तुमने पूछा था, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि युवाओं, जो युवा लोग हैं, मेरे से बोला तुमसे नीचे मुझसे आप लोगों को ये मन का प्रदूषण हटाना पड़ेगा। अगर ये मन का प्रदूषण नहीं हटा तो धरती जीवनदायी नहीं रह पाएगी, अगले 20 साल में नहीं रह पाएगी। और आप सोचो तो डॉक्टर कलाम जो मन का प्रदूषण है इसी की वजह से सारे प्रदूषण होते हैं, लकड़ी क्यों काटने जाते हैं लोग, जंगल क्यों काट रहे हैं, लालच में काट रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि दूसरों को कितना नुकसान होगा इससे, पॉलिथीन क्यों फेंक देते हैं लोग नालियों में या नदियों में या कहीं पर भी, पॉलिथीन क्यों फेंकते हैं, नियम तो ये है कि पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन हम इसलिए कहते हैं यार चलो 5 मिनट मेरे को फायदा रहेगा, हाथ में सब्जी कागज का कौन उठा के लेके जाएगा, चलो पॉलिथीन उठा के लेके जाते हैं, अपने 5 मिनट के फायदे के लिए हम पूरी नदी को खराब कर देते हैं, ये है मन का प्रदूषण। डॉक्टर कलाम ने कहा इस मन के प्रदूषण को हम दूर करेंगे, आप लोग करेंगे दूर, अगली बार आप किसी को देखें कि वो छोटे से फायदे के लिए, 5 मिनट के फायदे के पॉलिथीन के लिए, हो सकता है आपके घर के अंदर हो सकता है आपके घर में ही हो सकता है आपकी घर का ही कोई हो जो कह रहे पॉलिथीन लेके चलते हैं, आपको रोकना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा ये गलत है, इससे मन का प्रदूषण है, और इस तो मन के प्रदूषण से धरती जीवनदायी नहीं बनेगी, ऐसा किसने कहा था, डॉक्टर कलाम ने कहा था, और आप कहेंगे तब आप कलाम बनेंगे, बनेंगे आप कलाम, उन्होंने कहा ये मन का प्रदूषण रोको है, नहीं तो बहुत मुश्किल है धरती को जीवनदायी बनाना। दूसरा, दूसरी घटना क्या चल रही थी, पार्लियामेंट, करेक्ट, तो पार्लियामेंट में वो कह रहे थे लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है हमारी संसद, और संसद का काम क्या होता है, भाई आप यहां स्कूल में आते हो, आपका काम है शांति से पढ़ाई करना, सवाल पूछना, और सवाल का जवाब सही नहीं मिले तो दोबारा सवाल पूछना, वो ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे ये काम नहीं है ना, यहाँ आगे हंगामा मचाना, ये तो नहीं है, आप पढ़ने आते हो ना यहाँ पे, उसी प्रकार से हमारे जो नेता लोग हैं जिनको चुनके हमने भेजा है, वहाँ पैसे देते हैं, उनको सैलरी देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, पावर देते हैं, इस विश्वास के साथ देते हैं कि वो हमारे लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, वो कहते हैं अगर ये लोग काम नहीं करेंगे हमारे देश के लिए तो हमारी संसद नहीं चले रही है जैसे, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने कहा कि अपना लैपटॉप खोलो, तो मैंने लैपटॉप खोला, उन्होंने कहा एक सवाल लिखो आई एम शिलोंग में, जब हम जाएंगे, अब आई एम शिलोंग के बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, आप तो छोटे बच्चे हो, वो तो 20-25 साल के बच्चे होते हैं, बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, उन्होंने कहा इनसे पूछो कि एक आइडिया ऐसा बताएं जिससे संसद चलती रहे, संसद ना रुके, देश का लोकतंत्र कभी ना रुके, और जो सबसे अच्छा आइडिया देगा मैं उसको इनाम दूंगा। सवाल तो लोगों से पूछ लिया, क्या हमने उस पर खुद एक उत्तर सुलझाने की कोशिश करी, क्या हमने कोशिश करी कि हम जो सवाल दूसरों से पूछते हैं
उसका जवाब हमने खुद ढूंढा या नहीं ढूंढा, ये कोशिश करी ना आपने? सवाल पुस्तक को जवाब ना मिले लेकिन आपने कोशिश करी ईमानदारी से या नहीं करी? तो उन्होंने कहा ये गलत है, अगर हमने सवाल पूछा है तो हमें खुद भी उस सवाल के ऊपर सोचना चाहिए। कितनी बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को कहते हैं तुम गलत, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, तुम ये बताओ, लेकिन हम खुद नहीं करते, नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते। दूसरों के ऊपर जो जिम्मेदारी हम थोप देते हैं, क्या हम अपने ऊपर उसको पहन के ट्राई करते हैं? कैसी फील होती है? मुश्किल तो नहीं है? हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकता है अपना निकाल पाओ जवाब, लेकिन आपकी कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। तो फिर मैं दोबारा लैपटॉप खोला, दोबारा लैपटॉप खोल के अब हमने आधे घंटे तक इस पर चर्चा करी कि संसद कैसे चलनी चाहिए, इसके ऊपर क्या क्या तरीके होने चाहिए। तो वो चलिए, आप लोग अभी सिविक्स पढ़ना शुरू किया है तो इसमें मैं क्या क्या सोल्यूशन थे इस पर मैं नहीं निकलता हूँ, लेकिन एटलीस्ट हमने आधे घंटे कोशिश करी। मैं ये नहीं कह रहा कि कलाम साहब ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया था, उसको मैंने किताब में लिखा है, जो उनके आइडियाज थे, आप लोगों को पढ़ना हो तो अपनी लाइब्रेरी में मैं किताब भिजवा दूंगा आपको, लेकिन कोशिश करी। डॉक्टर कलाम हमेशा जो एक भी सवाल वो पूछते थे किसी से, पहले वो खुद उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे। तो एक आदत डाल लीजिए, आपको कलाम बनना है ना, एक आदत डाल लीजिए, दूसरे को